हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दो रेशियो आपस में बराबर है, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी। यानी दो रेशियो आपस में बराबर है तो इसमें कॉम्पोनेंडो लगाते हैं, डिवाइडेंडो लगाते हैं, या कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाकर प्रूफ करते हैं। देखिए, तो ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बट्टा बी, और सी अनुपात डी को लिख सकते हैं सी बट्टा डी। यानी इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी को ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। यानी देखिए, ए बट्टा बी यानी ए अंश है और बी क्या है हर, तो यहां से सी अंश है तो डी क्या है। तो देखिए, कॉम्पोनेंडो कैसे लगता है कि अगर दोनों साइड अंश में हर को जोड़ दिया जाए तो ए प्लस बी और बट्टा में कितना था बी, तो इधर हो जाएगा सी प्लस डी बट्टा डी। तो ये होता है कॉम्पोनेंडो। ये कहां से आया है, तो बाय कॉम्पोनेंडो, यानी कॉम्पोनेंडो लगाकर ये लाए हैं। यानी ए प्लस बी बट्टा बी बराबर सी प्लस डी बट्टा डी, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंडो। लेकिन डिवाइडेंडो क्या होता है, तो डिवाइडेंडो में सिर्फ माइनस हो जाता है, यानी अंश में से हर को घटा लेंगे। तो ए माइनस बी बटा बी बराबर सी माइनस डी बटा डी, तो ये कहां से आया है, डिवाइडेंडो से आया है। ये क्या होगा, डिवाइडेंडो। अब अंश में हर को जोड़ना है और अंश में ही हर को घटाना है, तो इधर भी अंश में हर को जोड़ना है और अंश में हर को घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। देखिए, यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो दोनों साइड क्या लगा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यानी इसमें भी कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगा हुआ है, इसमें भी कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यानी ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी, तो ये क्या होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। देखिए, कॉम्पोनेंडो को प्रूफ करते हैं, डिवाइडेंडो को प्रूफ करते हैं, और कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो दोनों को प्रूफ करते हैं। देखते हैं कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी में कॉम्पोनेंडो लगाते हैं तो ये सही होता है कि नहीं। आइए हम लोग एक उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, 1:2 बराबर 2:4, 2:4 यानी दोनों रेशियो क्या है आपस में बराबर। इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर, यहां से कितना लिख सकते हैं 2/4, इसको काटिएगा 2 2 4, यानी 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए, इसमें कॉम्पोनेंडो लगाते हैं, तो कॉम्पोनेंडो लगाने के बाद भी क्या होना चाहिए, दोनों बराबर। तो इसमें कॉम्पोनेंडो लगाइए, तो 1/2 में कॉम्पोनेंडो लगाइएगा तो क्या कीजिएगा, ऊपर में हर को जोड़ देना, यानी 2 को जोड़ देना है। यहां भी क्या कीजिएगा, तो 2 में हर को जोड़ना है 4/हर, यानी कितना 4। देखिए, इसको तोड़िएगा तो कितना जाएगा, 2 1 3/2, यहां से तोड़िएगा तो कितना जाएगा, 4 2 6/4, यानी इसको काटिएगा तो कितना जाएगा, 3 2 6 और 2 2 4, यानी 3/2 बराबर 3/2, यानी दोनों साइड क्या हो गया बराबर। तो दोनों साइड बराबर हुआ, इसका मतलब ये जो कंपोनेंडो लगाए हैं वो सही लगा हुआ है। अब देखिए, इसी में डिवाइडेंडो लगाते हैं, तो 1/2 और इधर कितना था 2/4, तो इसमें डिवाइडेंडो लगाइए तो क्या हो जाएगा, हर को घटाएंगे -2, तो यहाँ कितना होगा -4, तो ये दोनों साइड बराबर, दोनों बराबर। अब इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, -1/2, और इधर कितना जाएगा -2/4। देखिए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 2 2 का 4, यानी कितना हो गया 1/2 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/2, ये 2। तो दोनों का साइड क्या हो गया बराबर, यानी ये भी डिवाइडेंडो लगभग सही है। अब कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगा देकर देख लीजिए, तो 1/2 था ना, तो 1+2 यहाँ क्या हो जाएगा 1-2, यानी अंश प्लस हर बट्टा अंश माइनस हर, तो इधर भी अंश प्लस हर बट्टा अंश माइनस हर लगाइए, तो 2+4/2-4, ठीक है। अब इसमें लगाइए तो कितना होगा, 2 1 3/2, 2 में से 1 घटेगा तो कितना -1 बराबर 4 2 6 बट्टा
चार में से दो जाएगा तो माइनस दो, देखिए इसको काटेगा माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और ये काटेगा दो तिहाई छः, यानी क्या आ गया तीन बराबर तीन। देखिए दोनों साइड क्या हो गया बराबर, यानी इस भिन्न में यानी इस रेशियो में कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगाए दोनों साइड तब भी क्या होगा बराबर। तो इसी को बोला था कॉम्पोनेंडो, इसको बोला था डिवाइडेंडो और कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है यदि x बराबर 4ab बटा a प्लस b हो तो x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b का मान क्या होगा जब a नॉट इक्वल टू b, यानी a और b बराबर नहीं रहे तब। x का मान दिया हुआ है और इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना रहे उसको देखिए, देखिए इस पहला टर्म को देखिए क्या है x प्लस 2a बटा x माइनस 2a, तो इसको अगर कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो में तोड़िएगा तो कितना जाएगा x बटा 2a, x बटा 2a, यानी x बटा 2a को ही कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो में लिखा है तो आ गया x प्लस 2a बटा x माइनस 2a, और इसको क्या तोड़िएगा तो x बटा 2b, इसको तोड़िएगा तो क्या निकलेगा x बटा 2b, दोनों को जोड़ देना है तो इसका मान रख दीजिए और इसका मान रख दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो निकल जाएगा इसका मान। अब देखिए x बटा 2a को लिखिए, x का मान कितना दिया है 4ab बटा a प्लस बी, और बटा में कितना था 2a था, 2a प्लस, यहां से रखिए x का मान 4ab बटा a प्लस बी, बटा में कितना 2b, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये मेन डिवाइडर है, ये क्या है मेन डिवाइडर, तो इसमें कुछ नहीं तो बट्टा में वन लगा सकते हैं, ये भी क्या है मेन डिवाइडर, तो यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो वन लगा सकते हैं, पलटिएगा तो हो जाएगा 4ab बटा a प्लस बी इंटू 2a प्लस, और यहाँ से लिखेगा तो 4ab बटा a प्लस बी इंटू टू बी, देखिए काटेगा तो b से b कट जाएगा और दो दुना का चार, यहाँ काटेगा तो a से a कट जाएगा और दो दुना का चार, यानी आ गया 2b बट्टा a प्लस बी, और यहाँ आ गया 2a बट्टा a प्लस बी, तो a प्लस बी एलसीएम ले लीजिए, a प्लस बी क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 2b प्लस, यहाँ हो जाएगा 2a, अब दो दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो 2 इंटू ले सकते हैं a प्लस बी बटा a प्लस बी, a प्लस बी कट जाएगा तो कितना आ गया आंसर 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा 2, ऑप्शन कौन हो जाएगा सी, यानी दोनों को कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में तोड़ने पर आ गया x बटा 2a प्लस x बटा 2b, तो x का मान रख करके यहाँ पर x का मान रख करके सॉल्व किए तो कितना आ गया 2, यानी इसका मान कितना आएगा 2। अब देखिए एग्जाम में आएगा तो इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, काहे कितना कीजिएगा तो 3 से 4 मिनट आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसको बनाएं कैसे, तो देखिए याद रखिएगा कि अगर जो पूछेगा उसको ध्यान दीजिएगा कि हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, किसका मान निकालना है, अगर जिसका मान निकालना हो अगर वह कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में दिया रहे, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में दिया रहे यानी दोनों पद कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में रहे तो इसका योग हमेशा क्या होता है 2 ही आता है, बल्कि x का मान कुछ भी दिया रहे, यहाँ पर x का मान कुछ भी दिया रहे, ठीक है याद रखिएगा x का मान यहाँ पर कुछ भी दिया रहे, ठीक है आपको ये देखना है कि ये दोनों टर्म अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में रहे तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 2 होगा, यानी आपको सीधा आंसर मार देना है कितना 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन है,
यदि x बराबर 8ab बटा a प्लस बी हो तो x प्लस 4a बटा x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b बटा x माइनस 4b। देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसको तोड़िएगा तो क्या निकल का आएगा, तो इसको तोड़िएगा तो आएगा x बटा 4a प्लस, इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा x बटा 4b। अब x का मान रख लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी बताएं रूल में कि अगर दोनों टर्म कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में रहे तो उसका योग हमेशा क्या आएगा, दो आएगा। उसका योग कितना आएगा, हमेशा दो। यानी इसको तोड़ेगा तो इसका आंसर आएगा दो। इसका आंसर कितना आएगा, दो आएगा। यहाँ x का मान कुछ भी दिया है, x का मान दिया है 8ab बटा a प्लस बी, तो यहाँ रख दीजिएगा 8ab बटा a प्लस बी बटा 4a, और यहाँ भी रखेगा 8ab बटा a प्लस बी बटा 4b, तोड़िएगा तो इसका आंसर आएगा दो। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का आंसर हमेशा क्या आता है, दो। यानी आपको ये पढ़ना है कि रेशियो में अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर कितना आएगा, दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ए प्लस बी बटा सी बराबर बी प्लस सी बटा ए बराबर सी प्लस ए बटा बी बराबर के हो तो के का मान क्या होगा। तो हम लोग बता जानते हैं कि भिन्न को रेशियो में भी लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी बट्टा सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी अनुपात सी, और इसको लिखते हैं बी प्लस सी अनुपात ए, इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए अनुपात बी। यानी यह सब अनुपात आपस में बराबर है, किसके बराबर है, के बराबर। देखिए सभी अनुपात आपस में बराबर रहे तो प्रत्येक अनुपात का मान कितना होगा, यानी इसका मान पूरा कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, तो हम लिख सकते हैं देखिए वैल्यू ऑफ इच रेशियो। प्रत्येक रेशियो का मान किसके बराबर, तो आप याद रखिएगा हमेशा सम ऑफ न्यूमेरेटर यानी अंश का योग बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का योग। यानी हिंदी में लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, अंश का योग बट्टा हर का योग, अंशों कर लीजिए, अंशों का योग बटा हरों का योग। यानी सभी अंश को एक साथ जोड़ेंगे और सभी हर को एक साथ जोड़ेंगे। जैसे एक उदाहरण कर लीजिए, जैसे एक बट्टा दो, दो बट्टा चार और तीन बट्टा छः, ये सभी क्या है, आपस में बराबर है। तो देख रहे हैं कि यह सभी अनुपात किसके बराबर है, तो एक बट्टा दो के बराबर है। यानी सभी को तोड़ेगा तो क्या है, एक बट्टा दो। तो आप इसको अभी बताएं कि अंशों का योग हरों का योग, तो इसको देखिए प्रूफ करिए, एक प्लस दो प्लस तीन बटा दो प्लस चार प्लस छ, तो तीन दो पांच और एक छ बटा छ, चार दस दो बारह, यानी इसको तोड़ेगा तो छ दूनी के बारह, यानी किसके बराबर, एक बटा दो के बराबर आया ना। यानी अंशों का योग बटा हरों का योग लगाते हैं तो प्रत्येक रेशियो का मान निकलता है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि a प्लस बी बटा सी बराबर है b प्लस सी बटा a बराबर है c प्लस a बटा d। तो सभी अंश को एक साथ जोड़िए, तो सभी को जोड़िएगा, सभी को जोड़िएगा तो क्या निकल कर आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और हर का योग कीजिए तो सभी को जोड़िए c प्लस a प्लस बी, तो क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर k, बराबर के। देखिए a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा तो कितना आ गया, के बराबर दो आंसर, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर। तो अगर सभी भिन्न आपस में बराबर रहे तो प्रत्येक भिन्न का मान कितना, या इसको बोल सकते हैं अगर सभी रेशियो आपस में बराबर रहे तो प्रत्येक रेशियो का मान किसके बराबर होगा, तो क्या करेंगे, अंशों का योग बटा हर का योग। यानी सभी अंश को एक साथ जोड़ेंगे और सभी हर को एक साथ जोड़ेंगे तो निकल जाएगा प्रत्येक रेशियो का मान। यानी a प्लस बी बटा सी का मान भी आएगा दो, b प्लस सी बटा a का मान भी आएगा दो, और c प्लस a बटा b का मान भी आएगा दो। यानी प्रत्येक रेशियो का मान किसके बराबर, दो के बराबर है। यानी k किसके बराबर है, दो के बराबर है।
देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर किसके वन बटा के बराबर के का मान कितना होगा यानी ये प्रत्येक भिन्न बराबर है किसके बराबर वन बटा के बराबर यानी प्रत्येक रेशियो आपस में बराबर है तो प्रत्येक रेशियो आपस में बराबर रहे तो क्या करेंगे अंशों का योग बटा हरों का योग तो सभी अंश को एक साथ जोड़िए यानी ये सभी को जोड़ेंगे सभी को जोड़िए तो ए स्क्वायर का गो दो गो बी स्क्वायर का गो दो गो और सी स्क्वायर का गो दो गो तो दो कॉमन करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा और हर का योग कीजिए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है वन बटा के अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा वन वाई के बराबर दो देखिए बट्टा में कुछ है तो वन लगा सकते हैं यहाँ पर अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो के बराबर कितना जाएगा वन बाई टू के बराबर कितना जाएगा वन बाई टू यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर तो प्रत्येक रेशियो का मान निकालना रहे तो अंशों का योग बटा हरों का योग लगाइएगा तो निकल जाएगा प्रत्येक रेशियो का मान। आइए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर है 2:3 यानी यह प्रत्येक रेशियो किसके बराबर है 2:3 के बराबर है प्रत्येक रेशियो किसके बराबर 2:3 के बराबर तो पूछ रहा है AP प्लस BR प्लस CT अनुपात AQ प्लस BS प्लस CU का रेशियो कितना होगा देखिए दिया है जो लिखे थे P अनुपात Q तो क्या लिख सकते हैं इसको P बटा Q लिख सकते हैं बराबर है R अनुपात इसको क्या लिख सकते हैं R बटा S बराबर है और T अनुपात U क्या लिख सकते हैं T बटा U यह प्रत्येक रेशियो किसके बराबर तो 2:3 के बराबर यानी 2:3 के बराबर। अब देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में कि P के साथ कितना गुना किया A तो हम भी यहाँ P के साथ गुना करते हैं A तो जब अपना मन से ए से गुना किए हैं तो नीचे भी क्या करना होगा ए से गुना करना होगा यानी पी बटा क्यू में गुना कर दीजिए ए बटा ए से तो ए कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी पी बटा क्यू रहेगा। अब आर में देखिए आर में क्या क्या है बी से गुना किया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी गुना तो इसमें कितना भी बी से गुना और टी में देखिए सी से गुना किया है तो इसमें सी से गुना कर दीजिए तो इसमें हमें क्या होगा सी से गुना करना होगा यानी ऊपर में जितना गुना करते हैं उतना ही नीचे में गुना कर दीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए हम लोग जाने हैं कि सभी रेशियो किसके बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ न्यूमरेटर बटा सम ऑफ डिनोमिनेटर तो सबको जोड़ लीजिए यानी ए पी प्लस बी आर प्लस सी टी बटा ए क्यू प्लस बी एस प्लस सी यू बराबर कितना 2:3 यानी इसका मान कितना है 2 और इसका मान कितना है 3 यानी किसके बराबर हो जाएगा इसका रेशियो तो 2:3 का रेशियो रह जाएगा यानी इसको रेशियो में लिखा था कितना 2:3 यानी कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है यानी यही चीज को इस तरह से लिख दिया है ऊपर नीचे ए से गुना यहाँ ऊपर नीचे बी से गुना यहाँ ऊपर नीचे सी से गुना कर दिया है तो कितना होगा 2:3 यानी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। खाली आप देखिएगा यहाँ पर कि पी आर टी देखिए पी आर टी अंश का योग और क्यू एस यू यानी हर का योग तो क्या किया अंश का योग और हर का योग तो अनुपात तो ये रहेगा क्योंकि प्रत्येक रेशियो का मान उस अंशों का योग और हरों का योग होता है तो यहां से आ जाएगा 2:3 यानी ऑप्शन कौन जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर है 6:7:8 तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है तो c का मान कितना होगा देखिए दिया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी
अनुपात सी प्लस ए, 6:7:8। देखिए ये जो अनुपात है इसको संख्यात्मक रूप में पहले कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, संख्यात्मक रूप में। तो संख्यात्मक रूप में कैसे कन्वर्ट होता है, तो प्रत्येक में कांस्टेंट वैल्यू से गुना कीजिए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू से गुना। तो मान लेते हैं प्रत्येक में x से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 8x। यानी एक निश्चित माना जाता है a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 6x, b प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 7x, और c प्लस a का मान कितना हो जाएगा 8x। यानी a प्लस बी का मान आ गया कितना 6x, इसका मान कितना आ गया 7x, और इसका मान कितना आ गया 8x। यानी रेशियो में एक निश्चित से गुना करते हैं तो वह मान कन्वर्ट हो जाता है संख्यात्मक रूप में। अब देखिए सभी अनुपात को जोड़िए, तो यहाँ सभी को जोड़िएगा तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो इधर सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा 6x प्लस 7x प्लस 8x। अब इस सबको जोड़िए तो यहाँ से आ जाएगा 2 × a प्लस बी प्लस सी, इधर सबको जोड़िएगा तो 8 × 7 = 15, 15 × 6 = 21x। यानी आ जाएगा यहाँ से, अब a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से देखिए दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 14, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 14, तो यहाँ रख दीजिए 14, 2 × 14 = 21x। इसको काट छाट कीजिएगा तो 7 × 21 और 7 × 14, एक्स का मान कितना होगा 4/3। आइए हम लोग निकाल लेते हैं अब सी का मान। तो सी का मान निकालने के लिए ले सकते हैं सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसमें से क्या घटाना होगा तो घटा लीजिए ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान घटा लीजिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना 14 माइनस, और अब किसको घटाइएगा a प्लस बी का मान, a प्लस बी, a प्लस बी का मान कितना है तो a प्लस बी का 6x दिया है, तो 6x घटा लीजिए 6x, यानी 14 माइनस 6 × x, x का मान कितना निकल गया है 4/3, ये कटेगा 3 × 6 यानी 4 × 8, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना 6, यानी कितना आ गया 6। सी का मान कितना आ गया 6, यानी ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर।